के ईशु सहाय और नमस्कार। आज हमीन सब स्कूल पाठ के दूसरा पाठ के पढ़े जाते हमीन ई त्रिमास भजन संहिता के किताब से पढ़ा थी, और यह दूसरा पाठ है। पहला पाठ भी बहुत सुंदर रहे, ये बतात रहे कि हमीन भजन के पुस्तक में जो भजन देल गेल है से के हमीन कैसन पढ़ा, और ईश्वर के आत्मा हमीन के अगुवाई करी ऊपर पढ़े कर कुछ तरीका हमीन के सिखाल गेल रहे। कहा कि ये भजन है के गीत है के हमीन के वह नियर बाइबल के पढ़े कर जे हमीन के समझ आई और हमीन के आत्मिक जीवन में आगे बढ़े ले फायदा होई। हवा हमीन आज के पाठ के पढ़ा सके से पहले प्रार्थना करब। हमार ईश्वर बाप जे स्वर्ग में आईस, हमीन तो के उपासना और धन्यवाद देवेला, उपासना करेला तो के हमीन मानिला अपन ईश्वर और तो हमीन के बनाहिस, हमीन के तुहे तोर रास्ता में चला। एखन हमीन तोर वचन से पढ़े जाती, ईश्वर बाप हमीन के मन के खोल दे और बुद्धि और ज्ञान दे और आत्मा से चला, ताकि हम तोर वचन के समझ सकीला और तोर इच्छा अनुसार चल सका। उनके मदद कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगेला पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस सप्ताह दूसरा पाठ भजन संहिता के किताब से हमें पढ़ाती 2000 24 के पहला त्रिमास है के यह पाठ के शीर्षक है दूसरा पाठ के हमीन के प्रार्थना करेले सिखाओ। ये बात सुने से हमीन के मती के किताब में ध्यान जाएला, जहाँ यीशु मसीह अपन चेला मन के प्रार्थना करेले सिखालक। आज हमीन पढ़ब लुका के किताब 11 के 1 में। वहाँ इसके चेला मने आले और उके कहे लागले कि हे प्रभु हमीन के प्रार्थना करे सिखाओ। अब हमीन लुका 11 के 1 के पढ़ब। यहाँ लिखल है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यहूना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यहाँ हमने देखी ला क्योंकि चेला मने यीशु ठीना आलाय और कहत है, हे प्रभु, जैसन यहूना अपन चेला मन के प्रार्थना करे ले सिखालक, हमिन के भी तोय प्रार्थना करे ले सिखाओ। और यीशु मसीह उ मन के बात के सुनलक और उ मन के प्रार्थना करे ले सिखालक। कभी कभी हमने सोची ला कि प्रार्थना वही चीज है के जेके हमीन बिना रटल बिना लिखल मुंह से मन से जे आवेला सिके हम इनके कहे गए। ये ठीक है, लेकिन भजन संहिता की किताब में बहुत सारा भजन है जिके हम इन पढ़ सकीला। ये बहुत ईश्वर के धर्मी आदमी मन के उदाहरण देवल गेल है, जे मने धर्म के रास्ता में चलत रहे उ मन के जीवन में बहुत कुछ अनुभव होलक। अपन अनुभव से उमन लिख है, अपन जीवन में कानियर जात रहे, कानिया चलत रहे, का अनुभव करत रहे, और अवसर में वो मने प्रार्थना लिखा है, भजन लिखा है, दाव देख रहे, और साथ साथ बहुत और कोई भी रहे जो भजन लिख रहे हैं। तो वो मन हम इनके उदाहरण दे गेल हैं, दे गेले हैं कि हम इन अलग अलग जीवन के जिंदगी के परिस्थिति में कैसे ईश्वर से हम इन बात कर सकीला, ईश्वर से प्रार्थना कर सकीला। तो लिखल है कि हम इन पढ़ सकीला और हम इनके जीवन के अनुभव से हम इन मिला सकीला। इकर भजन संहिता के किताब के फायदा है। और आज हम इन दूसरा पार्ट में जो पढ़ा थी तो वहाँ शीर्षक है कि यीशु मसीह के उगर चेला मने काल हम इनके प्रार्थना करे सिखाओ। और यीशु मसीह उमन के नजरअंदाज नहीं करलक, उमन कर बात के सुनलक और उमन के प्रार्थना करे ले सिखालक, जे हमीन प्रभु के प्रार्थना कहिला। तो
जो भजन संहिता में देवल गेल भजन है से हमीन के सिखाला ईश्वर से हमीन कैसन प्रार्थना कर सकीला। भजन के द्वारा एक गीत है और प्रार्थना भी है। कभी कभी हमीन अपन मन से वो शब्द वो वाक्य नहीं निकला सकीला जिके बोले चाहिए, लेकिन ये भजन के मदद से हमीन ईश्वर से बात कर सकीला। और हम इनके मदद करी कि ईश्वर से हम इनका नियर बात करब सही तरीका से अपन मन के बात के बता सकीला। बाइबल में लिखा है रोमी घर किताब में कि बीते पाठ में रहे के हम इन देख सकते रहे रोमी 8:26 और 27 में यहाँ पौलुस प्रेरित लिख रहा है कि पवित्र आत्मा हम इनके मदद करेला। जब हम इन प्रार्थना करेला हम इन कभी कभी हम इन का कहे का शब्द के इस्तेमाल करे के हम इन नहीं जानेला, हम इनके शब्द नहीं मिलेला, लेकिन हम इनके मन के बात के पवित्र आत्मा ईश्वर ठीन पहुँचाएला। से ये भजन भी वह नियर लिखल गया है ये ईश्वर के आत्मा के प्रेरणा से उनका धर्मी आदमी मन लिख है। हम इन जब पढ़ीला उकर द्वारा हम इन परमेश्वर के स्तुति कर सकेला, उकर से हम इन प्रार्थना कर सकेला, उकर उकर हम भजन गा सकेला। आवा हम इन रविवार के पाठ देखा यहाँ कहेला भजन के इस्तेमाल प्रार्थना करेले हम इन कह सकेला। भजन संहिता 105:5 में कहेला कि ईश्वर जे अद्भुत काम हम इन के ले कर ले है हम इनके जीवन में कर ले हम इनके बीते समय में कर ले ऐसे कि हम इनके याद करे है। हाँ ईश्वर महान है हम इनके जीवन में चमत्कार करेला। और आगे कुलिसी के 3:16 में कहेला कि हम इन अपन हृदय में अपन मन में गीत गावब भजन गावब ईश्वर के स्तुति गावब गावे ले कहेला और आत्मिक गीत गावे ले कहेला। हम इनके हृदय से हम इनके मन से प्रभु के अनुग्रह भर भर के ईश्वर के महिमा और उनका से प्रार्थना करेला कहेला। याकूब 5:13 में हम इन पढ़ीला भजन गावा और ईश्वर के स्तुति करा जब इन खुशी आनंद महसूस कराता खुशी आनंद मनाता। भजन संहिता के किताब जे विशेष कर दाऊद राजा लिखले है अपन अनुभव से और जिसे मैं कहत रहा हूँ कि के लिखे वाला और कोई भी है करीब 7-8 अलग अलग जन है चाहे ग्रुप है जे मन लिख है पर में एक असाप रहे जे गीत गावे के अगुआ रहे गिरजा में या मंदिर में और ऊपर साथ साथ मूसा भी कुछ किताब के लिखे है सुलेमान भी लिख है भजन के मूसा भी कुछ भजन के लिख है और कर में कोरा के बेटा मन भी लिख है और उ मन ले समर्पित करल गेल है और एहन यत असाप के संग संग दूसर और कोई भी जो मंदिर में गिरजा में उ बेरा के गिरजा में काम करते रहे गीत गावत रहे और गीत गवात रहे से मने भी भजन लिख है। तो यहाँ हम इन ईश्वर की स्तुति करे ले ये भजन के इस्तेमाल कर सकीला। हर एक स्थिति अलग अलग स्थिति ले यहाँ भजन है। कभी कभी हमें दुखी आई दुख के बेरा में भी हम भजन के किताब में जा सकीला हम भजन के किताब उठा सकीला और पढ़ सकीला। जब हम खुशी आई ईश्वर के महिमा कर सकीला हम इनके प्रार्थना करे होए तो हम भजन के इस्तेमाल कर सकीला। ईश्वर के धन्यवाद करे होए तो हम भजन के पढ़ के वहाँ के शब्द चुन के ईश्वर के महिमा कर सकीला। अगर हम इनके बुद्धि ज्ञान चाहिए सैकड़ों बेरा हम इन भजन के पढ़ सकीला हम इन मसीही जीवन क्रिश्चियन जीवन जियले हम इनके यहाँ ज्ञान प्राप्त हुई बुद्धि मिली हम इनके भजन के कानियर पढ़े है भजन के पढ़े है जैसे कर में सजाल गेल है भजन संहिता 1 से हम इन पढ़ सकी ओकर बाद 2-3 ऐसे पढ़ सकीला मनुष्य के अनुभव के अनुसार लिखल है। और नहीं तो
हम इनके जीवन में का गुजरत है, का अनुभव होत है, हम इनके जीवन में का चलत है, उकर अनुसार भी हम इन भजन चुन सकीला और पढ़ सकीला। हर एक प्रकार के भजन यहाँ आए। अगर हम इन सृष्टि के भजन पढ़े चाहिला तो भजन 8 के पढ़ सकीला, भजन 19 के पढ़ सकीला। दाऊद राजा लिखले है 51 अध्याय पश्चाताप के भजन है। आदमी के भला आदमी का बुरा आदमी के कैसे जीवन होएला, का परिणाम होएला, सिकर जाने चाहेला, तो भजन 1 हुआ मिलेला। वह नियत भजन अगर हम इन बाइबल के विषय में जाने चाहेला तो भजन 119 है। ईश्वर के महिमा करे चाहेला भजन 147 है, और भजन 140 41 42 से लेकर 150 तक है। ईश्वर के महिमा गावेले। और भजन 103 105 107 इकस हम ईश्वर के महिमा कर सकेला। बीते जीवन में हम इनके का परोपकारी कर ले है, का अच्छा काम कर ले, का भलाई काम कर ले है। तो हम इनके जीवन में सब प्रकार के अनुभव ले भजन देवल गेल है। और इके हम इन प्रार्थना ले भी इस्तेमाल कर सकेला। कैसे हम इनके प्रार्थना के जरूरत है, का अनुभव से हम इन गुजराती सीकर हम इन प्रार्थना चुन के, हम इन भजन चुन के इसने प्रार्थना कर सकेला। अगर धन्यवाद देख है तो धन्यवाद का भजन चुन सकेला। अगर हम इन दुख में है ही तो हम इन दुख कर भजन गा सकेला, पढ़ सकेला, उकर साथ हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकेला। इकर बारे आज हम इन पढ़ा जो भजन संहिता 44, भजन संहिता 22 मने है, जिकर में किस कैसन आदमी मने दुख के बेरा में लिखे ले रहे, और आगे ईश्वर मन के कैसे दुख से निकला, दुख से उठालक, दुख से बचालक, सिक्रो सिक्रो हम इन पढ़ब। इस सप्ताह के पाठ भजन संहिता 105 से लेवल गेल है, 105 के 5 और कोलोसी 3 के 16 और याकूब 5 के 13 और भजन संहिता 44 से लेवल गेल है, भजन संहिता 22 और भजन संहिता 13, फिर भजन संहिता 60 के 1 से 5 लेवल गेल है। अब हम इन आगे पढ़ा सोमवार के पाठ में, जगह में भजन संहिता 44 से हम इनके पाठ है। यहाँ कहेला मुश्किल समय में, दुख के या कठिन समय में, समय जब हम इन विपत्ति के समय में आए, से बेरा हम इन ईश्वर में भरोसा कर सकीला। भजन संहिता 144, अगर हम 144 नहीं 44, खाली 44 के हम इन पढ़ा तो यहाँ लिखल है कौन यार पहले ईश्वर हम इनके अगुवाई करत रहे, बीते दिन में हम इनका अगुवाई कर लग, अखन हम इन दुख में आई, मुश्किल में आई, तो हम इनके का करे के, हम इन का करब, हम इनके ईश्वर ऊपर भरोसा करे के, बीते दिन में हम इनके अगुवाई कर लग, हम इनके सहायता कर लग, हम इनके मदद कर लग, तो हम इनके भरोसा ऊपर ऊपर राखे का है, भरोसा करते रहे के, भरोसा नहीं छोड़े के, काहे के आवे कोला दिन में भी वे हम इनके बचाए, अगुवाई करी और अपन रास्ता में चलाए। मैं कुछ पदस्थल पढ़े चाहो ना, यहाँ लिखे हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और उनको बसाया। इन लिखल है भजन संहिता 44 कर 1 और दो में। आगे अगर हम इन पढ़ा 11 12 में जा तो कल तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितिर बितिर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। यहाँ काले ऐसा होलक, काहे कि मन ईश्वर से दूर भाग गलक, पाप करे लागल है, तो ये मन के कठिनाई अलग। लेकिन आगे हम इन पढ़ा हमें जानब कि ईश्वर उमन के बचा ले आवी। अगर हम उकर से प्रार्थना करब, करते रहब और उकर ठिना घूर के आब, तो हम इनके प्रार्थना सुनी, हम इनके बचाए, हम इनके दुख से उठाए। 26 में कहला हमारा सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त
हमको छुड़ा ले। प्रार्थना करेला, हे प्रभु, तो हम इन तो बीते दिन में बहुत चमत्कार कर ले, और आज हम इन दुख में ही, तो आओ उठ खड़ा हो और हम इनके बचाओ। प्रार्थना करेला और प्रार्थना काले करेला, प्रार्थना भरोसा है से ले करेला, भरोसा से प्रार्थना करेला। हम इनके भी जब दुख में ही ईश्वर के ऊपर हम इनके नजर जाग चाहिए, ईश्वर के तरफ हम इनके घूरे का है, फिरे का है, और ईश्वर में विश्वास करके प्रार्थना करे का है। ईश्वर हम इनके निश्चय बचाए, उकर वचन में हम इन्हें पाविला। कभी कभी हम इन अपन जीवन में ऐसा अनुभव होवेला, बहुत दुख से गुजरेला, तो लागेला कि ईश्वर दूर चल गए है, चाहे ईश्वर भुला गए है। ऐसने आदमी मन सोचत रहे, लेकिन असली में हम इन आगे पूरा पढ़ब तो हम इनके पता चले कि ईश्वर हम इनके नहीं छोड़ेला, हम इनके बचा ले, वो आवेला, हमेशा तैयार रहेला। खाली हम इन अपन मन में ऐसा अनुभव करेला दुख के चलते, लेकिन ईश्वर आहे, हमीन ले खड़ा है, हमें हमेशा हर समय हमीन के बचा ले। यीशु मसीह हमीन ले खड़ा है, परमेश्वर के सामने हमीन ले प्रार्थना करे ले। आगे हमीन देखब मंगर के पाठ में, यहाँ कहेला जब हमीन हताश निराश निराशा के स्थिति में आही, औसन बेरा हमीन प्रार्थना करेला। कैसन प्रार्थना करेला, हम इन भजन संहिता 22 के देख सकीला, यहाँ प्रार्थना देवल गेल है। ये सब प्रार्थना ईश्वर के प्रेरणा से देवल गेल है, उकर संत मने, धर्मी आदमी मने, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करल गेल गेल है, और पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ईमन ऐसन भजन लिखे है, प्रार्थना लिखे है, यह प्रेरणा के प्रार्थना है। मैं पढ़ो ना भजन संहिता 22 के 1 और आगे, वहां कहला हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। 3 में कहला परंतु तू तो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ये भजन लिखल है, जे आदमी मन बहुत उदास रहे, निराश रहे, यहाँ पर ऐसा लागल है कि ईश्वर उमन से दूर है, ईश्वर छोड़ भी दिले है, ऐसा उमन महसूस होत रहे। ये यीशु मसीह का प्रार्थना है, यीशु मसीह भजन संहिता के पढ़त रहे, उके जानत रहे, उके याद कर रहे, और यीशु मसीह अपन दुख के बेरा में जब दुख तकलीफ सहत रहे, क्रूस के ऊपर भी यीशु मसीह एहन ही प्रार्थना कर, भजन के किताब के वचन उकर शब्द लेकर के यीशु मसीह कहलक। हमीन यीशु मसीह के प्रार्थना में ये वचन पदस्थल के हमीन पाविला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्रूस से एहन ही यीशु मसीह कहलक। लेकिन हम इन जानिला कि ईश्वर यीशु मसीह के नहीं छोड़ रहे, यीशु मसीह हम इनके पाप के बोझ ले रहे, से ले यीशु मसीह के बहुत दबाव होत रहे, औसन लागत रहे, औसन अनुभव होलक। लेकिन हम इन बाइबल पढ़ी ला तो हम इन जानी ला कि इस परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नहीं छोड़ रहे, और आगे उके बचालक, उके संभालक, संभालक और उके शक्ति देलक कि वो अपन ओकर दुख के और सही सकेला, और जेकर चलते यीशु मसीह हमीन वो दुख सहलक, हमीन ले दुख सहलक, जेकर से हमीन के उधार हो सकेला, जेकर से हमीन के उधार होवेला, और इकर ले हमीन ईश्वर के प्रति धन्यवादी हुआ। और आगे हमीन इकरे में पढ़ीला भजन संहिता में 9 में, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। यहाँ वचन में याद देवेल कि हे परमेश्वर, तो मोके मोर जन्म से माय के कोख से निकले बेरा से तो हमार बचाए वाला है, कि मोर परमेश्वर है, कि
बीते जीवन में मोके तोहे सहायता करलक। एखन भी मैं तकलीफ में हूँ, मोके सहायता करे वाला कोई न खे, मैं तोरे ऊपर आशा करो ना, तोहे सहायता देवे, ये नियर इकर विश्वास है, इन्हें प्रार्थना करेला। ये भजन में जब हम पढ़ा, ये नियर के हम इनके विश्वास होई, हम इनके नजर ईश्वर की तरफ होई जाए। और हमें देखिला कि भजन में जहाँ की दुख तकलीफ के जिक्र है, उकर बीच में भी भजनकार, भजन लिखे वाला, भजन के लिखे को वाला अपन अपन यह बात कहला। हमें 22, मैं 22 में पढ़ा था, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। या दाऊद जो लिख लिया है, कहते है कि मैं ईश्वर के महिमा करबो, उकर आदमी मन थी ना, उकर डर माने वाला आदमी मन थीना, विश्वासी मन थीना, ईश्वर के महिमा करबो, उकर स्तुति करबो। यह विश्वास उकर मन में है कि ईश्वर समय आवी उके बचाए, ईश्वर नहीं छोड़ छोड़ी, ईश्वर उके फिर से उठाए, और जे दुख में वह होले है या तकलीफ में गिरले है, उकर से ईश्वर को उठाए और फिर से उके स्थिर करे, और ईश्वर उके अच्छा अनुभव देवी, ताकि वह फिर से ईश्वर के महिमा करी, ईश्वर के आदमी मन थी ना, ईश्वर के बड़ाई करी, ऐसा उनका भरोसा है, विश्वास है। तो हम इनके संकट जीवन में हम इन भजन के दने आ सकीला, भजन पढ़ सकीला, और पढ़ के यह हम इन जान सकीला, भरोसा कर सकीला कि हम इन कोई भी स्थिति में आई, हम इन परमेश्वर पर भरोसा करबे, ईश्वर पर भरोसा करबे, तो आगे चल के हम इन ले अच्छा ही हो, ईश्वर हम इनको बचाए। ये तरी वह अय्यूब के भी तकलीफ आले रहे, लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ रहे, उनके लागला कि बहुत दुख हुआ थे, क्यों न खाए, ईश्वर भी दूर हो गए, लेकिन ईश्वर उके आलक आलक और उके बचालक उके और बगरा आशीष दे, बगरा आशीर्वाद दे, यह हम इनके अनुभव हो सकेला, यीशु मसीह के नियर हम इनका अनुभव हो सकेला, जब परमेश्वर पिता हम इनके बचाए, हम इनका महिमा होवे, हम इन गौरव के राज में रह सकेला। आगे हम इन पढ़ा आशा निराशा से हम इन आशा के तरफ जे वचन हम इन पढ़ सकेला, निराशा से आशा के तरफ भजन 13 आहे के हम इन पढ़ सकीला। यहाँ कहला, हे परमेश्वर कब तक तू सदैव मुझे भूला रहेगा, क्या तू हमेशा हर समय हरदा मुके भूले रहबे, कहला तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। आगे कहे आखिरी में, परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की। आखिरी में देख यहाँ कहला, शुरू में उसके लाग लाग कि मैं दुख तकलीफ में हो, कब ईश्वर आवी और मुके बचाए, कहिया ईश्वर हम मुके इस तकलीफ से निकलाए, बाहर निकलाए। आगे हम इन पढ़ा तो पढ़ सकीला कि समय आवेला कि वह ईश्वर के भजन गावी, काहे कि ईश्वर उकर भलाई करी, इस तरह कर इकर में भरोसा है, ईश्वर आवी उके बचाई और उके भजन गावेले मौका मिली, ईश्वर के भला ये ईश्वर उकर भलाई करी चले, वह ईश्वर के बड़ाई करी, ऐसा ये वचन में हम इन पढ़ीला। सचमुच में हम इन ईश्वर के वचन में देखा, यहाँ जाओ तो पता हम इनके लाइक सकेला,
ईश्वर के आदमी मान लीजिए बीते जमाना में रहे, बीते जी समय में रहे, वो मने बहुत किस्म के दुख संकट विपद से गुजर लें, लेकिन धर्मी आदमी मने ईश्वर पर भरोसा कर लें और संकट विपद में रहते हुए भी वो मने ईश्वर के नहीं छोड़ लें, ईश्वर पर आशा रख लें, अंत तक ईश्वर पर भरोसा रख लें, ईश्वर उन के संग रहे और ईश्वर हमेशा हम इनके संग रहेला। हम ही नहीं सोचीला कि ईश्वर दूर है छोड़ दिले है, लेकिन आखिरी में हम इन खुद महसूस करबे कि ईश्वर हम इनके संग रहे, दुख में भी रहे, और काहे कि हम इनके दुख से निकलालक और हम इनके ये सुंदर हम इनके बचाव कर ले है और हम इन दुख से बगरा और अधिक आशीष दिले है, नया जीवन दिले है। हम इन भजन संहिता के 60 के 101 से 5 में पढ़ा या लिखल है कौन नियर ईश्वर बाप हम इनके फिर से हम इनके वापस अपन इस अच्छा स्थिति में लौटाएला, वापस हम इनके अच्छा स्थिति में लाइन घुराएला या कहेला, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है, तू क्रोधित हुआ फिर हमको क्यों का त्यों कर दे, तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है, तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया, तूने हमें लड़खड़ा देखने वाला दाख मधु पिलाया है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए, सेला, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। या अमीन पढ़ीला कि ईश्वर के आदमी मन के ये हाल रहे, उमन के दुख आलक, उमन के बहुत ताड़ना होला, लेकिन प्रार्थना में आगे कहेला कि अपन आदमी मन के अपन डरवैया मन के फिर से मन के झंडा फहरा ले मौका मिली और उमन सच्चाई के कारण उमन झंडा फहरा बन, अपन दहिना हाथ से उमन के ईश्वर बचाए और उमन के प्रार्थना के सुन लेगी और कहा हुए कि ईश्वर उमन ना आवी और उमन के छोड़ाए लेगी। तो हम इन ई भजन में यह पाली कि हम इन कोई भी स्थिति से जाए सकीला, लेकिन याद रखा कि ईश्वर बाप हम इन के सहायता ले आहे हमेशा रही, जैसे कि वह पुराना जमाना में अपन आदमी मन के सहायता कर लग, अपन आदमी मन है उकर जो धर्मी आदमी मन रहे वो मन भी बहुत मुश्किल तकलीफ से गुजर लाए, लेकिन हम इन भजन में हम इन देखिला पाविला कि ईश्वर बाप उमन के नहीं छोड़ला और आखिरी में उमन के बचाएला, उमन के छुड़ाएला और उमन के और अधिक आशीर्वाद देवेला। ईश्वर ओहे नियर हम इनके नहीं छोड़ी, हम इनके अपन दुख तकलीफ से उठाए और उकर महिमा ले, हम इनके महिमा करी, उकर महिमा ले हम इनके खड़ा करी, चला हम इन उकर ले जियब उकर महिमा करब, हम इन अपन जीवन में दुख तकलीफ में भी ऊपर ऊपर भरोसा करब, प्रार्थना करब, भजन के पढ़ब, भजन में बहुत सारा ऐसा हम इन उदाहरण देवल गए जो पढ़ब तो हम इन ईश्वर ठिना आ सकिला, ईश्वर बाप हम सब के आशीष देवे, आमीन। अब हम इन प्रार्थना, ईश्वर बाप हम इन तो के फिर से धन्यवाद देवेला, तो ठिना आविला, तो से प्रार्थना करेला ईश्वर बाप की कौन नियत तो है अपन आदमी मन के अपन धर्मी आदमी मन के बीते जमाना में उठा ले, मन दुख तकलीफ में रहे लेकिन उमन के बचा ले, तो है तोर ऊपर भरोसा करना है और तोर नाम के स्तुति महिमा करना है, वही नियत हम इनके भी अनुभव दे ईश्वर बाप कि हम इन दुख तकलीफ में भी तोर ऊपर आशा भरोसा करब और हम इन वचन में पढ़ ली जानी ला कि तो है हम इनके जरूर बचाव बचावे, तो हम इनके नहीं छोड़ दे, यह तो प्रतिज्ञा है कर ग्रामीण भरोसा करते।
आगे हमने अपन जीवन जिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिला, सुन और दया से ग्रहण। आमीन। ओके।